गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। उसके पास जो घंटी है उसको जरूर बजाएं। और अभी है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून है अभी। और आज है सैटरडे, तो बैठी हूँ, आरब की छुट्टी चली, सो आरब कर रहे हैं मस्ती, कहीं टीवी देख रही कहीं। और ये उनके पापा ने ये ले लेके दिए ना, इसमें स्टोरी आती है, तो ये यार पढ़ने में लगे रहते हैं पूरे टाइम। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है और कलर करने को भी आते हैं बच्चों के लिए। क्या कर रहे गेम खेलने में लगे यार, अब गेम खेलने में अभी थोड़ी देर आरव को, बस थोड़ी देर गेम खेलने को मिलता है, ज़्यादा देर आरव मोबाइल यूज नहीं करते। मैं किचन में जा रही हूँ बना लूँ उसको, पहले बेसन को घोल के रखूँगी ना पकौड़ियों के लिए, तो शुरू करती हूँ। ये बेसन ले लिया इतना मैंने, अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नमक। और ये दही है वो डालूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बटर डाल के भी थोड़ा थोड़ा बटर डालें और मिक्स करते जाएं, ताकि उसमें वो गांठ जैसी पड़ जाती है, फिर वो सही नहीं रहती। थोड़ा थोड़ा बटर डाल के करोगे तो फिर वो बहुत अच्छी होती। और ये देखो, ये मैंने देखो लिया। अब इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे, जितने अच्छे से फेंटोगे ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनेंगी, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी। फिर उनमें उसका जो रसा होता है ना कड़ी वाला, पकौड़ियों में चला जाता, बहुत अच्छा स्वाद आ जाता उसका, बहुत टेस्टी भी लगती हैं। ये देखो ऐसे हो गया, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर पकौड़ियाँ सेकेंगे। इसको ऐसे रख के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये गर्म करने के लिए रख दिया और इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला, इसमें थोड़े सा ऑयल डाला था, ये ज़्यादा ऑयल में पकौड़ियाँ नहीं सेकनी चाहिए, नहीं तो वो टाइट टाइट हो जाती। ये कढ़ी बनाने वाली थोड़ा सा ऑयल डाल के अगर पकौड़ियाँ सेकोगी तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहती हैं। और ये देखो वो मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, ये देखो ऐसा हो गया। अब सेकती हूँ, ये देखो बन गई पकौड़ियाँ। ये देखो ऐसे इसमें होल होल हो गए ना थोड़े थोड़े से, इसमें कढ़ी का रसा भरेगा फिर बहुत टेस्टी वाला स्वाद आएगा। तो इसको एक साइड रखते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये बेसन ले लिया इतना, और ये सेम कटोरा है, इसमें थोड़ा सा हैवी अभी थोड़ा बहुत लगा है, तो इसी में मैं उसको कर लूँगी, नहीं तो फिर अलग से क्या उसमें ही डाल दूँगी। और इस कढ़ाई को हटा दूँगी, दूसरी कढ़ाई इस पर रखूँगी, इसमें डालूँगी बेसन, पूरा नहीं डालूंगी थोड़ा सा डालूंगी। और हल्दी, थोड़ा बटर से मिक्स कर लेंगे। ये देखो गोल लिया, अब इसमें डालेंगे ये दही था ना, इसको मैंने फेंट लिया, इसमें डाल देंगे। इसमें उसका डबल भाटा डाल देंगे, ये देखो ये ऐसा हो गया ना पतला पतला सा। अब इसको छोड़ते हैं, इसको गर्म कर, कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हींग डाल देंगे। और ये जो है ना इसको डाल देंगे, बड़ी बर्तन में घोलो ताकि और सही से बना रहता, फिर घुल जाता। इसको चलाते रहेंगे, इसको ऐसे चलाते रहेंगे जब तक उबाल ना आए। और पकौड़ी आप ऐसे ही बनाओ तो बहुत अच्छी बनेगी, बस इतना याद रखो कि ऑयल थोड़ा सा डालो, ज़्यादा ऑयल ना डालो, और फेंट के बहुत अच्छे से फेंट लो तो बहुत सॉफ्ट अच्छी पकौड़ी बन जाती। इसको
ये देखो उबलने लगी, इसको चलाते रहो बार बार, नहीं तो ये बाहर निकल आती है। अभी इसमें नमक डाल दूंगी, अभी नमक डाला नहीं था ना, नमक अपने हिसाब से डाल दें क्योंकि थोड़ा सा पकौड़ियों में भी डाला था तो इस वजह से। तब तक मैं ये उबल रही थी ना, तो मैंने कहा तब तक मैंने राइस रख दिए और आटा भी गूंद लिया कि ये स्लो स्लो 10-15 मिनट तक बनती है ना, तो इसमें टाइम लगता थोड़ा सा, नहीं पकेगी नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, फिर अच्छी नहीं लगती। इसको चलाएंगे अच्छे से, आप 5 मिनट तक इसमें ऐसे डले रहने देंगे ताकि उसमें रसा चला जाए अंदर, इस वजह से इतना लगेंगे। चल जाऊंगी रोटियां, ये आ रहे हैं, सो खाना टाइम हो गया। ये बन गई देखो, और ये भी गल गई, अभी गर्म है तो और जो थोड़ी बहुत रह गई होगी वो उसी में हो जाएगी। और रोटियां भी बन गई, हम लोग जा रहे खाना। हाँ, इसमें आप वो कड़ी पत्ता होता है ना और सूखी लाल मिर्च और राई से ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं, अगर आप लोग खाते हो तो। मैं नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी, पर अगर आप लोग कड़ी पत्ते खाते हो तो उससे इसमें आप तड़का लगा सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी खाओ, आपका मन ऐसे खाओ, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप लोग ट्राई करना एक बार। और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, खाना खा लो। ये लंच हम लोगों ने कर लिया था, बहुत अच्छी टेस्टी कढ़ी बन गई थी, और ना ज़्यादा खट्टी थी ना वो सादा मीडियम थी, तो वही हम लोग खाते हैं, ज़्यादा खट्टी हम लोगों से खपती नहीं और बिल्कुल सादा वाली भी नहीं खपती, तो बहुत अच्छी बन गई थी। उसके आधे घंटे बाद क्या हुआ, इतनी तेज़ मेरे सर में दर्द उठा बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, तो मैंने कुछ कैमरा वैमरा तो छोड़ी दो, सब भूल जाती हूँ उस टाइम, अभी रिलैक्स है थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ, अभी ब्लॉग कम्प्लीट कर लेती हूँ नहीं तो रह जाएगा। और देखो आपको दिख रहा होगा ना पास से, देखो इतना सारा ऑयल से चंपी 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 हुई पूरे में, बहुत ज़्यादा है, वो ठंडा वाला ऑयल है ना जो नवरत्न का लेके आए थे, उसी से पूरे में चंपी हो के, फिर थोड़ा सा और दवा, जो 2 बार दवा खाने को ना, तो वो मॉर्निंग में जल्दी खा ली थी तो अभी मैंने फिर से खा ली थी। अब रिलैक्स से जा रही हूँ बाहर, टी पीऊँगी जाके, और बाहर अच्छी हवा चल रही तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर ही टी पीते हैं, तो जा रही हूँ बाहर। चाय और इधर पे बहुत अच्छी हवा चल रही, थोड़ी थोड़ी पहले चल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी अब कम हो गई, जैसे मैंने बोला ना थोड़ी बहुत अच्छी हवा चल रही, वैसे स्लो हो गई तो सब लोग हंसने लगे जबकि पहले से बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और चाय पी ली, अच्छी बनी थी, और चाय किसने बनाई किसने बनाई चाय बनाई सर ने। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उसके पास जो बेल आइकन की घंटी है वो जरूर बजाएं, घंटी बजाएं ताकि मैं जैसे ही ब्लॉग डालूँ आप लोगों के पास पहुँच जाए। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, सो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अरे भी बैठे हैं, बाय बाय।